तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ईसीएस टी10 स्वीडन सीरीज के जो मैच नंबर फर्स्ट खेला जाएगा बीओटी वर्सेस पीएफ के दरमियान में। इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। बीओटी और पीएफ के जितने भी खिलाड़ी है सारे खिलाड़ी का मैं डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ कि बीओटी के टीम के तरफ से कौन से खिलाड़ी आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से खिलाड़ी फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों इस टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं सारे खिलाड़ी का करियर रिजल्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन से खिलाड़ी ऐसे रहेंगे जो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हुए दिखेंगे, बॉलिंग दो ओवर करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको आज देने वाला हूँ। दोनों ही टीमों के जितने भी खिलाड़ी है सारे खिलाड़ी के कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट चॉइस बताऊंगा गाइस आपको, जिसके मदद से आज यहाँ पे ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की भी शानदार टीम तैयार कर सकते हो। गाइस कौन से ग्राउंड पे ये मुकाबला होगा और यहाँ का पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, कौन से टीम के जीतने के ज़्यादा चांस रहेंगे, उस टीम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी को अपने टीम में ट्राई करने वाले हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज आपको देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में इस मैच का। तो अगर आप इस मैच में एक बेहतरीन टीम क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना ताकि इस मैच का आपको पूरी डिटेल्स मिल पाएगा और आप एक बेहतरीन टीम बना पाओगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना गाइस, ताकि आने वाले जितने भी मैचेस हैं सबका आपको इसी प्रकार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको आफ्टर टॉस फाइनल टीम दे दिया जाता है। देख सकते हो गाइस काफी यूजर ने ज्वाइन कर लिया है इस ग्रुप को। अगर यहाँ पे आप फाइनल टीम पाना चाहते हो आफ्टर टॉस लाइनअप आने के बाद अगर कोई भी चेंजेस होगा तो आपको दे दिया जाता है। यहाँ पे 17,000 से यूजर ने ज्वाइन कर लिया है और ये ग्रुप बिल्कुल फ्री ग्रुप है, तो गाइस जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। और जिस प्रकार का गाइस ये नया मुकाबला स्टार्ट होने वाला है यहां पे गाइस इस सीरीज का, अगर कोई खिलाड़ी मिसिंग रहते हैं आफ्टर टॉस लाइनअप आने के बाद, अगर कोई नए खिलाड़ी हमारे टीम में इन होंगे, किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करेंगे तो अपडेट करके आपको टीम दे दिया जाएगा। देख सकते हो गाइस काफी यूजर ने ज्वाइन भी किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर ज्वाइन कर लेना इस ग्रुप को। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में भी पिन कर दिया गया, यानी दो जगह लिंक है, कहीं भी क्लिक कर सकते हो और इस ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपने ज्वाइन कर लिया होगा, ये ग्रुप आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मैच वेन्यू से। इस सीरीज के जितने मैचेस होने वाले हैं दोस्तों सारे एक ही ग्राउंड पे होने वाले हैं। यहाँ पे गाइस नॉर्थबॉक क्रिकेट ग्राउंड पे ये मुकाबला होगा, हालांकि स्टार्टिंग इसी ग्राउंड से होने वाले हैं और सारे मैचेस इस ग्राउंड पे होंगे। और यहाँ का अगर पिच देखोगे तो दोस्तों इस पिच में भी गाइस लास्ट सीजन में अगर आप देखोगे तो बैट्समैन को काफ़ी बढ़िया सपोर्ट मिलते हुए आ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बैट्समैन यहाँ पे गाइस स्कोर काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्कोर बनते हैं इस मैच में, इस टीम में गाइस दोनों ही टीम हालांकि स्ट्रॉन्ग टीम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जिस प्रकार का ये पिच है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो काफ़ी बढ़िया बैट्समैन को मदद देखने को मिलेगा और एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि कोई भी टीम अगर यहाँ पे टॉस जीतता है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बैटिंग को बैट्समैन को काफी बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है और ये गाइस फायदा कोई भी टीम उठाना जरूर चाहेगा। बाकी बीओटी के टीम के अगर खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो खिलाड़ी सबसे पहले शुरुआत करेंगे वसीफ से, इनका अगर आप देखोगे सिलेक्शन तो काफी ज्यादा है ड्रीम इलेवन पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप इनका करियर रिजल्ट देखोगे तो मात्र यहाँ पे गाइस देख सकते हो कुछ खास नहीं, 5 मैच में 1 रन बनाए हैं, यहाँ पे विकेट भी कुछ खास नहीं निकाले हैं और ये लगभग आपको गाइस नया खिलाड़ी है। यहाँ पे देख सकते हो इनको अगर लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग में ट्राई करना, यहाँ पे ड्रीम इलेवन पे काफी ज्यादा यूजर ने इनको लिया हुआ है, लेकिन स्टेट्स देखोगे तो कुछ खास नहीं है। वही अगर अली के बारे में बात करेंगे, ये भी टीम के न्यू खिलाड़ी है, इन दोनों को मेरे हिसाब से चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, अगर लेना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ वसीफ को ही ट्राई करना क्योंकि नए खिलाड़ी है अली, हालांकि खेलने के भी चांसेस खिलाड़ी का काफी कम है। वह असाद इकबाल के बारे में बात करेंगे तो 3 मैचेस में इन्होंने 36 रन बनाए, इनका स्कोर अगर देखोगे गाइस काफी बढ़िया है, काफी बड़े पारी खेल सकते हैं गाइस, यहाँ पे 3 मैचेस में 36 रन बनाए, सबसे अच्छी बात है कि टीम का टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी है। दोस्तों एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी इस टीम से जितने भी खिलाड़ी खेलेंगे गाइस, यहाँ पे जितने भी स्क्वाड इनका यहाँ पे बीओटी के जितने भी स्क्वाड है गाइस, यहाँ पे इस स्क्वाड से जितने भी खिलाड़ी रहेंगे सारे खिलाड़ी का मैं आपको करियर रिजल्ट आपको दूंगा इस वीडियो में। और यहाँ पे जो भी खिलाड़ी लाइनअप आने के बाद खेलते हैं तो वो काम आएंगे आपके, यहाँ पे सारे खिलाड़ी का जानकारी आपको लेना जरूर रहेगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनको ट्राई कर सकते हो मोहम्मद असफाक, जो कि बहुत ही सुपर खिलाड़ी है, 67 मैचेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1742 रन बनाए हैं, अगर इनका विकेट देखोगे यहाँ पे 2 विकेट निकाले हैं, इनका अगर स्कोर देखोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही सुपर है गाइस, इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इनको अगर आप चाहो तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी ले सकते हो, जीएल में तो जरूर ट्राई करना, 1 से
से दो टीम में वाइस कैप्टनसी के लिए तो जरूर जा सकते हो, ये बहुत ही सुपर रहेंगे। बाकी यहाँ पे जो दो नए खिलाड़ी गए, यहाँ पे अहमद और यहाँ पे गए सानी, ये दोनों के दोनों खिलाड़ी न्यू है, इनको मेरे हिसाब से ड्रॉप करो। वही नदीम अली के बारे में बात करेंगे तो 8 मैचेस में यहाँ पे 36 रन बनाए, इनका स्कोर मुझे काफी लो लग रहा है गाइस, इनको फिलहाल ड्रॉप करते हुए चलेंगे। अगर बात करें गुरुपाल के बारे में तो 43 मैचेस में इन्होंने गाइस 419 रन बनाए हैं, साथ ही साथ 6 विकेट इन्होंने निकाले भी है। ये खिलाड़ी गाइस बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है, हालांकि बॉलिंग काफी कम ओवर करेंगे, हो सकता है एक ओवर करें या फिर इस मैच में आपको स्टार्टिंग के पहला मैच में बॉलिंग ना भी करते हुए दिखे। यहाँ पे 419 रन बनाए, ये अच्छी बात है गाइस, स्कोर काफी बढ़िया इनका ले सकते हो। रहमान अब्दुल के बारे में बात करेंगे तो 72 मैचेस में इन्होंने 706 रन बनाए गए, यहाँ पे देख सकते हो काफी बढ़िया स्कोर है बल्लेबाजी से। 72 मैचेस काफी एक्सपीरियंस इनके पास, काफी बड़े मैचेस खेले हैं और यहाँ पे 7 विकेट निकाले गाइस ये खिलाड़ी। हालांकि आपको बैटिंग से ही उम्मीद रखना होगा कि गाइस यहाँ पे रन देंगे, क्योंकि बॉलिंग आपको ना के बराबर करते हुए दिखेंगे, लेकिन अपने करियर में अगर आप देखोगे तो 72 मैचेस में 7 विकेट इन्होंने निकाले हैं। वही मोहम्मद तरार के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 5 मैचेस में 147 रन बनाया है, साथ साथ उन्होंने 5 विकेट निकाले भी हैं। 5 मैचेस के मुकाबले अगर देखोगे तो 147 रन काफी बढ़िया है और यहाँ पे बॉलिंग आपको लगभग ऐसे करते हुए नजर आने वाले हैं, इस वजह से एज ए बैट्समैन एज ए ऑलराउंडर खिलाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी राशिद ये गाइस टीम के न्यू खिलाड़ी है, इनका कोई स्टेट्स नहीं है, पहला मैच खेलने वाला है, अगर खेलते हैं लाइन अप आने के बाद अगर पता चलता है गाइस तो इनको जीएल में ही ट्राई करना। बाकी मैं बात करेंगे अमीर रियाज के बारे में तो 4 मैच में इन्होंने 24 रन बनाया है, साथ इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं। टीम का गाइस ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे गाइस अपने करियर में कुछ खास स्कोर नहीं कर पाए हैं, ये बॉलिंग आपको करते हुए दिखेंगे लगभग, ये अगर खेलते इनका खेलने के चांस लगे कम है गाइस, इस वजह से मेरे हिसाब से चाहो तो इनको फिलहाल ड्रॉप कर सकते हो, लाइनअप आने के बाद अगर ये खेलते हैं तो अपने टीम में ले सकते हो। वहीं अगर जिसन मोहम्मद के बारे में बात करेंगे 34 मैचेस में इन्होंने गाइस 541 रन बनाया, साथ ही साथ इन्होंने गाइस 27 विकेट निकाले भी है। टीम के गाइस ये टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, 34 मैचेस में 541 रन काफी बढ़िया स्कोर भी है, साथ ही साथ ये कंप्लीट ओवर आपको बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे। टीम के गाइस ये ऑलमोस्ट मेन बॉलर है, इनको चाहो तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी आज ट्राई कर सकते हो। आसिफ खान के बारे में बात करेंगे तो 60 मैचेस में इन्होंने गाइस देख सकते हो 476 रन बनाया है, साथ ही साथ इन्होंने 33 विकेट भी निकाले हैं, यानी अगर आप देखोगे गाइस 60 मैचेस में इन्होंने काफी बड़े स्कोर किए हैं। सबसे अच्छी बात है कि बॉलिंग भी काफी सुपर करते हुए दिखेंगे, ले सकते हो, एज ए ऑलराउंडर काफी काम का खिलाड़ी है। अगर बात करेंगे ओशमा के बारे में तो यहाँ पे 9 मैचेस में इन्होंने 211 रन बनाए, साथ से इन्होंने 5 विकेट भी निकाले हैं, बॉलिंग ये भी गाइस करते हुए दिखेंगे, साथ ही साथ अच्छे खासे बल्लेबाजी भी करते हैं, तो आप ले सकते हो गाइस, ये दोनों तरफ से आपको पॉइंट दे सकते हैं, ये खिलाड़ी मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। वही फैजल मुश्ताक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो फैजल मुश्ताक जो कि एक ही मैचेस खेले, टीम के न्यू खिलाड़ी, हालांकि 2 विकेट भी निकाले हैं, अगर इस मैच में खेलेंगे खेलने के चांसेस खिलाड़ी का कम है, अगर खेलते हैं तो आप इनको जीएल में ट्राई कर सकते हो। तो ये टीम जो गाइस यहाँ पे बीओटी की टीम, इस टीम से अगर आप देखोगे तो ये स्क्वाड रहने वाला है, इसमें से अगर कोई भी यहाँ पे चेंजेस आएगा, कोई अगर नए खिलाड़ी इन होंगे, नए खिलाड़ी इन होने के चांसेस नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी खेल सकते हैं सारे खिलाड़ी का डिटेल्स देख सकते हो, 11 से ज़्यादा है, इसमें से जो खेलेंगे आप सारे स्टेट्स अब आपके नॉलेज में होगा गाइस, और सारे खिलाड़ी में से गाइस 11 खिलाड़ी जो आप चुन सकते हो, हालांकि गाइस खेलने के जो चांसेस है, हालांकि मैं आपको प्लेइंग 11 बता दूंगा गैस टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को मिस मत करना, लेकिन ये गैस पूरी नॉलेज आपको लेना बहुत ही जरूरी है अगर आप सेफ टीम क्रिएट करना चाहते हो तो। बाकी पीएफ के टीम की तरफ से गैस यहाँ पे जो खिलाड़ी है कमरन जिया जो कि बहुत ही सुपर है, 4 मैचेस में अगर आप देखोगे तो 70 रन बनाया है, बॉलिंग से अगर आप देखोगे तो विकेट नहीं निकाल पाए हैं, 4 मैचेस की यहाँ पे 2 इनिंग में बॉलिंग भी किया इन्होंने, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्कोर काफी बढ़िया कर सकते हैं, एज ए बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर बात करेंगे यहाँ पे मोहम्मद के बारे में तो 33 मैचेस में इन्होंने गाइस 552 रन बनाया है, साथ ही साथ 8 विकेट निकाले हैं, बॉलिंग ये काफी कम ओवर करते हुए दिखेंगे, हो सकता है एक ही ओवर बॉलिंग करेगा इस मैच में, लेकिन 33 मैचेस में काफी बढ़िया इन्होंने बल्लेबाजी करते हुए दिखा है, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एज ए बैट्समैन आप ट्राई कर सकते हो इस खिलाड़ी को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं अगर उसमा चौधरी के बारे में बात करेंगे तो 26 मैचेस में गाइस इन्होंने 363 रन बनाया है, साथ ही साथ इन्होंने गाइस 6 विकेट भी निकाले हैं, यानी कि बहुत ही सुपर बल्लेबाज है गाइस, अच्छे खासे स्कोर करते हुए दिखेंगे और बॉलिंग के मामले में देखा जाए तो काफी बढ़िया बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे, ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर आप सेफ टीम क्रिएट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वह अगर बात करेंगे फरहान चौधरी के बारे में, यहाँ पे 13 मैचेस में इन्होंने गाइस 847 रन बनाया है, साथ ही साथ इन्होंने गाइस 14 विकेट भी निकाले हैं, यानी जितने अच्छे गाइस यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे आप देख सकते हो गाइस कैप्टनसी वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही सुपर ऑप्शन रहने वाला है, 13 मैचेस में 887 रन, ये बहुत ही अच्छे गाइस यहाँ पे स्कोर है, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो गाइस काफी बढ़िया ने खेले भी, हालांकि ये गाइस ये जो आप करियर रिजल्ट देख रहे हो तो ये हालांकि गाइस T20 के हैं और कुछ यहां पे टेस्ट के भी है गाइस जो कि बहुत ही सुपर खिलाड़ी रहने वाला है, काफी बड़े-बड़े मैचेस खेले हैं तो इंपॉर्टेंट भी रहेगा, इस खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें इमामुद्दीन के बारे में तो यहां 52 मैचेस खेले इन्होंने, 322 रन बनाए, अगर इनको लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ ग्राइंडिंग में ट्राई करना।
वहीं वकास हसन के बारे में बात करेंगे, 31 मैचेस में इन्होंने 211 रन बनाया, साथ साथ एक विकेट निकाले हैं। बॉलिंग गैस हालांकि नहीं करते हुए दिखेंगे इस मैच में, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजी टॉप पे करते हुए नजर आएंगे, तो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मुस्तफा के बारे में बात करेंगे, 13 मैचेस में इन्होंने 12 रन बनाए, एक विकेट निकाले हैं। इनका स्कोर बहुत ही लो है गैस, इनको मेरे हिसाब से ड्रॉप करते हुए चलो अभी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो काफी यहाँ पे मैचेस में फ्लॉप रहे गैस ये खिलाड़ी। वहीं अहमद के बारे में बात करेंगे, 2 मैच में इन्होंने 22 रन बनाया है, साथ ही साथ इन्होंने 3 विकेट चटकाई भी है। वहीं खलील जल्ले के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो 50 मैच में इन्होंने 396 रन बनाए, साथ साथ 56 विकेट निकाले भी हैं। ये खिलाड़ी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के मामले में देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि काफी बड़े स्कोर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं काफी बढ़िया इन्होंने 56 विकेट भी निकाले हैं, यानी बॉलिंग तो कंप्लीट आपको 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समीर अली खान के बारे में बात करेंगे तो 7 मैच में इन्होंने 24 रन बनाए, साथ साथ 5 विकेट भी निकाले ये खिलाड़ी। वहीं अगर बात करेंगे ऐसे में अहमद के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी बहुत ही सुपर है, हालांकि 4 में 2 रन इन्होंने बनाए, एक विकेट निकाले हैं, काफी कम मैचेस खेले हैं, लेकिन इन खिलाड़ी अगर इस खिलाड़ी के बारे में बात करोगे दोस्तों ये बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, एज ए बॉलर पिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहीं जितेंद्र सिंह के बारे में बात करेंगे तो 14 मैच में इन्होंने 136 रन बनाए, साथ साथ इन्होंने 11 विकेट भी निकाले हैं। अगर इस खिलाड़ी को ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बॉलिंग आपको कंप्लीट ओवर इनके तरफ से करते हुए दिखने वाले हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर ही लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आज इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी मोहम्मद के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में तो यहाँ पे 8 मैच में इन्होंने 67 रन बनाए। ये खिलाड़ी का स्टेट्स अगर आप देखोगे तो काफी वीक है, काफी कम मैचेस भी खेले हैं और कुछ खास स्कोर है भी नहीं, तो अगर इनको लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना। वहीं मोहम्मद वकास विंसी के बारे में बात करेंगे, 36 मैचेस में गए 471 रन बनाए, साथ साथ 27 विकेट भी निकाले हैं। गैस ये जो टीम है इस टीम से गैस काफी ज्यादा खेलने के चांसेस, इस टीम से जो खिलाड़ी है यहाँ पे 11 खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया स्टेट्स ये गैस आपको यहाँ पे 11 से ज्यादा लगभग आपको 20 खिलाड़ी को मैंने दिखाया, जितने भी खेलने के चांसेस है सारे खिलाड़ी का स्टेट्स आप देख सकते हो, 8 खिलाड़ी लगभग गैस यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो खेलते हुए दिखेंगे लाइनअप आने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, सारे खिलाड़ी का स्टेट्स आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो यही कारण है कि मैं गैस यहाँ पे अपने वीडियो को क्लीन रखना चाहता हूँ कि कोई भी खिलाड़ी खेलेंगे फिर आप वीडियो देखोगे तो आपको ये ना लगे कि इस खिलाड़ी का स्टेट्स मैंने आपको नहीं बताया है, तो इस वजह से सारी डिटेल्स आप देख लो। न्यू टीम गाइस पहला मैच है तो आपको जानना भी जरूरी है, तो यहां पे इनको ट्राई कर सकते हो, सुपर रहेंगे। बाकी यहां पे जुबैर असलम के बारे में बात करेंगे तो 34 मैच में इन्होंने 86 रन बनाए, साथ साथ इन्होंने 29 विकेट भी निकाले हैं, यानी बॉलिंग अगर आप देखोगे तो बहुत ही सुपर करेंगे बॉलिंग, और अगर यहां पे देखोगे इनका बल्लेबाजी देखोगे तो कुछ खास नहीं है, एज ए बॉलर ही समझ के लेना। बिलाल मोहम्मद के बारे में बात करेंगे तो 6 मैच में 35 रन, साथ साथ 5 विकेट निकाले हैं। वह अगर बात करेंगे अली हसन के बारे में गैस तो इनका स्टेट्स आप देख सकते हो, 16 मैचेस खेले लेकिन यहाँ पे काफी बड़े स्कोर किए गैस, हालांकि ये जो गैस रिकॉर्ड है ये T20 के मैचेस के हैं, तो अगर इनको लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लीग में ट्राई करना, जीएल में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जीएल में अगर आप चाहो दोस्तों, अगर आप 6 टीम क्रिएट कर रहे हो तो एक टीम में जरूर यहाँ पे कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हो। अब्दुल्ला कल के बारे में बात करेंगे, ये टीम का न्यू खिलाड़ी है। जमाल अवल के बारे में बात करेंगे, जमाल अवल जो कि गैस 7 मैचेस खेले हैं, 18 रन बनाए हैं, साथ साथ 5 विकेट भी निकाले हैं। अली उस्मान यहाँ पे 8 मैचेस खेले हैं, 17 रन बनाए, साथ ही उन्होंने 5 विकेट भी चटकाए हैं। तो ये दोनों के दोनों खिलाड़ी अगर आप देखोगे तो कंप्लीट ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे इस टीम के तरफ से, एज ए बॉलर ये मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये दोनों के दोनों बॉलर अगर खेलते हैं इस टीम के तरफ से पहला मैच तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बॉलिंग करते हुए आपको दिखने वाले हैं। तो गाइस ये दोनों ही टीम PF और यहां पे BOT के जिस प्रकार गाइस ये न्यू टीम है, सारे खिलाड़ी का स्टेट्स आप देख सकते हो, सारे खिलाड़ी का यहाँ पे करियर रिजल्ट देख सकते हो गैस, और सारे खिलाड़ी को देखते हुए मैंने गैस आपके लिए बेस्ट टीम तैयार किया है, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे गैस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना यार, मैं पूरी मेहनत से सारे प्लेयर्स का स्टेट्स लाते रहता हूँ, और इस प्रकार का स्टेट्स अगर आगे भी मैचेस का देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले मैचेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी चलिए हम लोग इसके बेसिस पे एक बेहतरीन टीम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले विकेट कीपर से, जो आज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे PF के टीम की तरफ से गैस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैस वजी को मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था, इनका करियर रिजल्ट मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है दोस्तों, अगर आपने वीडियो को शुरू से देखा है तो गैस सारे डिटेल्स आपके नॉलेज पे होगा गैस, और अभी आपको गैस यहाँ पे टीम क्रिएट करने में काफी ईजी होगा। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि गाइस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, कि यहां पे देख सकते हैं इनका अगर सिलेक्शन देखोगे भी तो मात्र 5% है, लेकिन यहां पे 33 मैचेस में अगर आप देखोगे तो 552 रन बनाया है, साथ ही साथ इन्होंने गाइस 8 विकेट अपने करियर में निकाले हैं। हालांकि 33 मैचेस में अगर आप देखोगे तो काफी कम ओवर इन्होंने डाला है,
लेकिन यहाँ पे बैटिंग बहुत ही सुपर करते हुए दिखेंगे, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है और लेना भी काफी ज्यादा जरूरी रहेंगे। इनका सिलेक्शन मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे 90% है टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, इस वजह से गाइस इनको काफी लोगों ने लिया। हो सकता है फाइनल टीम पे गाइस ट्राई करेंगे हम लोग और टीम आपको अपडेट करके दे दिया जाएगा। लेना चाहते हैं टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है ले सकते हैं। बाकी यू चौधरी के बारे में बात करेंगे, पीएफ के टीम की तरफ से अगर आप देखोगे तो 26 मैचेस में इन्होंने गाइस अभी तक 363 रन बनाया, साथ इन्होंने 6 विकेट निकाले हैं। बल्लेबाजी ये भी टॉप पे करते हुए दिखेंगे। मेरे हिसाब से 2 विकेट कीपर के प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, या फिर दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे इनके साथ जा सकते हो, डब्लू मेहमत को भी ट्राई कर सकते हो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे गाइस आपके लिए एक परफेक्ट टीम बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये दोनों के दोनों ज्यादा बेटर रहेंगे पीएफ के टीम की तरफ से। बाकी यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों बैटिंग के बारे में, तो यहाँ पे 3 बैट्समैन को मैंने हाई इंपॉर्टेंट बताया था। इनका अगर आप देखोगे 72% सिलेक्शन है, लेकिन करियर रिजल्ट कुछ खास नहीं था, इनको मैं फिलहाल ड्रॉप करते हुए चल रहा हूँ। ए हसन की बात करेंगे तो पीएफ के टीम की तरफ से ये खेलते हुए दिखेंगे, बहुत ही सुपर है। इनका करियर रिजल्ट देखोगे तो अपने यहाँ पे बॉलिंग नहीं करते हुए दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे। 16 मैच में 700 यहाँ पे 56 रन स्कोर किया, बहुत ही सुपर बल्लेबाज है, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बिल्कुल अपने टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी एफ चौधरी के बारे में बात करेंगे तो 26 मैचेस में 363 रन इन्होंने भी बनाए, साथ साथ 6 विकेट निकाले हैं। यानी दोनों के दोनों जगह यहां पे बॉलर है, दोनों के दोनों जो खिलाड़ी है काफी बढ़िया बैटिंग करते हुए देखेंगे एहसन, लेकिन यहां पे एफ चौधरी के बॉलिंग करने के चांसेस है, लेकिन ये उम्मीद मत रखना गाइस यहां पे, क्योंकि बॉलर ऑलरेडी पीएफ के टीम की तरफ से यहां पे खेल रहे हैं, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ बैटिंग करने के चांसेस इस मैच में ये दोनों के दोनों खिलाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं एम स्पार्क के बारे में बात करेंगे तो बीओटी के टीम की तरफ से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनका अगर स्टेट देखोगे तो 67 मैचेस में इन्होंने 1742 रन बनाया है, बॉलिंग हालांकि 2 ही विकेट इन्होंने निकाले हैं, बॉलिंग ये नहीं करते हुए दिखेंगे इस मैच में, लेकिन बल्लेबाजी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 3 के 3 यहाँ पे खिलाड़ी जो है इस बैटिंग सेक्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ऑलराउंडर की बात करेंगे दोस्तों तो 3 ऑलराउंडर खिलाड़ी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें से कैसे रंधवा के बारे में बात करें, बीओटी की टीम की तरफ से बहुत ही सुपर है। 72 मैचेस में अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पे 43 मैचेस में यहाँ पे 419 रन स्कोर किए हैं, साथ उन्होंने 6 विकेट निकाले हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो बैटिंग बॉलिंग करने के चांसेस इस मैच में, लेकिन यहाँ पे आर अब्दुल के बारे में बात करेंगे बीओटी के टीम की तरफ से, तो दोस्तों ये 72 मैचेस में 706 रन इन्होंने स्कोर किया है, 7 विकेट इन्होंने निकाले हैं। ये भी बल्लेबाजी अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों खिलाड़ी बहुत ही सुपर है, ले सकते हो अपनी टीम में, बॉलिंग करने के चांसेस हैं। बाकी यहाँ पे पीएफ के टीम की तरफ से बात करेंगे दोस्तों, 50 मैच में इन्होंने 396 रन बनाया है, साथ ही साथ 56 विकेट भी निकाले हैं, यानी बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे साथ साथ बैटिंग भी करेंगे, इस वजह से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी का स्टेट्स कुछ खास नहीं था, एम तरार का भी स्टेट्स दिखाया है, सली खान का भी मैंने दिखाया है, सारे खिलाड़ी जितने भी खिलाड़ी खेलने के चांसेस सारे खिलाड़ी का मैं डिटेल्स ऑलरेडी आपको वीडियो में बता रखा है, तो अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये आपके हैंड पे रहेगा गाइस, क्योंकि स्टेट्स आपको वीडियो में ऑलरेडी देखने को मिला है। बाकी अभी बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे तो 3 बॉलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एम वकास के बारे में बात करें पीएफ के टीम की तरफ से, ये कंप्लीट ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। अगर इनका अगर आप यहाँ पे करियर रिजल्ट देखोगे तो 36 मैचेस में इन्होंने 471 रन बनाया है, साथ ही इन्होंने 27 विकेट भी निकाले हैं, बॉलिंग कंप्लीट ओवर करते हुए दिखेंगे, टीम के मेन बॉलर है। ए रियाज भी बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं, इनका भी स्टेट्स मैंने आपको दिखाया है, अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाकी पीएफ के टीम की तरफ से देखोगे तो जेड असलम जो कि कैसे भी बहुत ही सुपर बॉलर है, 34 मैचेस में इन्होंने 29 विकेट निकाला है, बैटिंग कुछ खास नहीं करते हैं गाइज, यहाँ पे 86 रन ही स्कोर किया है 34 मैचेस में, यानी बॉलिंग आपको कंप्लीट ओवर करते हुए दिखेंगे। बाकी यहाँ पे बात करें जेड मोहम्मद के बारे में, 34 मैचेस में इन्होंने भी 27 विकेट निकाला है गाइज, और यहाँ पे 541 रन स्कोर भी किया है, यानी बल्लेबाजी भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही सुपर करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से फिलहाल टीम प्रीव्यू कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टनसी के लिए आप चौधरी को मैंने ट्राई किया हुआ है, और वाइस कैप्टनसी के लिए यहाँ पे गाइस इनके साथ में जा रहा हूँ। हालांकि लाइनअप आने के बाद चेंजेस होते हैं गाइस यहाँ पे, और भी मैं यहाँ पे आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ऑप्शन दे दूंगा, साथ ही साथ ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की फाइनल टीम पे आपको अपडेट करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को मिस मत करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।